नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से हम आपको एक और जगह से लाइव कवरेज दिखाएंगे कि जैसा कि आपको हमने थोड़ी देर पहले ही एक लाइव सेशन में बताया था कि भाजपा की ओर से पूरे बंगाल में जो है वर्चुअल जनसंवाद सभा का आयोजन चल रहा है, जिसमें फिलहाल जो है भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी जो है उस जनसंवाद सभा को संबोधित कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने इस जनसंवाद सभा को संबोधित किया था और फिलहाल अमित शाह जी का भाषण चल रहा है। जिला भाजपा सिलीगुड़ी सांगठनिक भाजपा जिला कार्यालय में हम फिलहाल मौजूद हैं, जहां पर दार्जिलिंग जिले के विधायक, खासतौर से दार्जिलिंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज जिम्बा जी यहां पर मौजूद हैं। एक बार मैं फिर से करेक्ट कर दूँ कि दार्जिलिंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज जिम्बा जी खुद यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ सिलीगुड़ी सांगठनिक भाजपा अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल जी भी इस सभा को देखने के लिए यहाँ पर वर्चुअल जनसभा को देखने के लिए इस पार्टी ऑफिस में मौजूद है। आपको हम भीतर ले चलेंगे।
तो ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला कार्यालय से, जहां पर पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण जो है यहां पर खुद उपस्थित हुए हैं, काफ़ी संख्या में यहां पर उपस्थित, जिसमें दार्जिलिंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज जिम्बा जी खुद मौजूद हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह की जनसंवाद को सुन रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में सिलीगुड़ी सांगठनिक भाजपा अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल जी मौजूद हैं, तमाम भाजपा के नेता मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर हम धीरे धीरे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शायद आज मंगल के बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे, इनसे तो कम नहीं।